दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्योग पर। बताना चाहेंगे पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला हमारा कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग यानी सेवन पे कमीशन के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इससे लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पेंशन और रिटायरमेंट के बेनिफिट यानी सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए असमंजस को दूर कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार ताज़ा फैसले का लाभ उन कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। इस फैसले से सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने से इन कर्मियों को मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल जाएगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर किए गए ताज़ा फैसले से न सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी एवं वो पेंशनधारी के लाभ होगा बल्कि अखिल भारतीय सेवा यानी AIS के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को भी फायदा होने वाला है। आगे बताऊँ आपको, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार समेत कई राज्यों की सरकारों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सेवा में जहां इस आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं वहीं राज्यों में बारी बारी से विभिन्न सेवाओं में सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। अब न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये सिफारिश की गई थी। पहले न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था यानी अब नए वेतन में सिफारिशों लागू करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी जो है दोगुनी हो जाएगी और इससे ज़्यादा इजाफा है। फिलहाल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गए हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों केंद्र सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनधारियों को भी लागू की जाएगी। इसके तहत पेंशन राशि को 2.57 गुना बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि वर्तमान में सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये है और उन्हें 8,000 रुपये वेतन वृद्धि की मांग की है। इसके बाद यह बढ़कर 26,000 रुपये और सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेंशन एवं पेंशन भोगियों कल्याण विभाग ने बताया कि पाँचवें वेतन आयोग के तहत जहाँ न्यूनतम पेंशन राशि 1,275 तय की गई थी वहीं सातवें वेतन आयोग में इसमें दोगुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी की सिफारिशें हैं। इसके तहत पेंशन सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन जो है 3,500 रुपये निर्धारित कर दिया। हालांकि गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2003 को यह इससे पहले केंद्र सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों को ही पेंशन की पात्र माना जाता है। इसमें शर्त यह भी है कि कर्मचारी को न्यूनतम 10 साल की सेवा की अवधि पूरी करनी होगी और रिपोर्ट के अनुसार 2006 के पूर्व पेंशन सामान्य संशोधित समेकित पेंशन पूर्व संशोधन मूल संशोधन का 2.26 है। साथ ही 3,500 रुपये जो है न्यूनतम पेंशन मिलेगा। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें कि अभी तक जो पेंशन था जो रिटायर होते थे तो उनको 1,275 मिलता था लेकिन अब जो है करीब पेंशन मिलेगा 3,500 रुपये। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीद भी जल्दी पूरी हो सकती है क्योंकि रेलवे ट्रेड यूनियंस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया। ट्रेड यूनियन चुनावों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे मांग चुनाव का मुख्य एजेंडा है और सभी उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा। इससे के साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पार 3.68 गुना यानी 3.68 गुना फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आई थी पेंशन से। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।